और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं उज्ज्वल आपके साथ और आप देख रहे हैं चैनल हिंद भारत। और इस वक्त जो खबर आपको बताने जा रहे हैं वो भारत और नेपाल से संबंधित है। पिछली रिपोर्ट्स में हमने आपको नेपाल से संबंधित कुछ खबरों की जानकारी दी थी और एक और खबर अब नेपाल से आ रही है। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ वक्त से नेपाल और भारत के बीच थोड़ी सी तनातनी चली हुई है और ये तनातनी अब थोड़ी और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दरअसल विदेशी समाचार वितरक संगठन यानी MCO ने भारत के प्राइवेट चैनल को अब नेपाल में रोक दिया है, यानी कि अब से नेपाल में आप कोई भी भारतीय निजी प्राइवेट चैनल यानी कि कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं देख पाएंगे, सिवाय दूरदर्शन के अब वहां पर किसी और चैनल का टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय निजी न्यूज़ चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि उनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है। ये कदम भारतीय न्यूज़ चैनल द्वारा नेपाल के कवरेज को लेकर ऑनलाइन स्तर पर हुई भारी आलोचना के मद्देनजर लिया गया है। इसमें नेपाली नेतृत्व को लेकर खराब छवि पेश की गई थी। भारतीय निजी न्यूज चैनल पर प्रतिबंध का फैसला विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स MCO द्वारा भारत के राष्ट्रीय समाचार नेटवर्क दूरदर्शन को छोड़कर सभी निजी न्यूज चैनल पर रोक लगा दी गई है। नेपाल के सूचना प्रसारण मंत्री युवराज खतिवाड़ा ने गुरुवार शाम को इस फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि नेपाल राजनीतिक और कानूनी उपायों की तलाश कर सकता है। साथ ही भारतीय मीडिया द्वारा नेपाल के संप्रभुता और गरिमा पर हमला करने की खबरों के खिलाफ राजनीतिक स्तर पर उठ सकता है। नेपाल में भारतीय मीडिया रिपोर्टों के खिलाफ नाराजगी देखी गई, जब कुछ समाचार चैनल पर प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और नेपाल में चीन के राजदूत होई यांकी सहित कई नेपाली नेताओं के चरित्र को लेकर सवाल उठाए गए। हालांकि अभी तक इस संबंध में नेपाली सरकार द्वारा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया। यह फैसला ऐसे समय आया है जब भारत और नेपाल के बीच नेपाली नक्शे को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंद भारत। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।